कल पूरी रात सो नहीं पाए हम, पूरी रात सो नहीं पाए, बस करवट बदलते रहे कि सुबह पता नहीं क्या फैसला आएगा। बस वैसे ही लग रहा था जैसे भरत जी को 14 साल लगा होगा, वैसे ही लग रहा था। आज सुबह जब फैसला आया तो खुशी हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे रामनवमी आज है, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम आज पैदा हुए। ऐसे सब लोग खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है जो खुशी होती है वैसे हो रही है। वैसे खुशी हो रही, लेकिन सरकार और पुलिस कह रही है कि ज्यादा उछलो नहीं, ज्यादा उछलो नहीं। हम तो खुद कह रहे हैं इसमें ना हमारी जीत है ना तुम्हारी हार है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो हम सबको स्वीकार है, ये तो हम खुद कह रहे हैं। और हाँ, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और हाँ, और सब लोग मिलके दूर कहीं मस्जिद भी बनवाएंगे सब मिलके। सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम बता दे रहे हैं, ये ना 500 साल का विवाद था, 500 साल का। हमें ठीक से याद नहीं, तब तो हम बहुत छोटे थे। नहीं छोटे नहीं थे, नहीं, हमें तो याद भी नहीं है, मेरे दोस्त ने बताया था। बहुत पुराना लड़ाई थी, और 40 दिन लगातार जितने गगोई और जितने जज लोग हैं रोज सुनवाई सुन रहे थे, रोज रोज, और कभी नागा भी नहीं हुआ, और कभी जज लोगों ने छुट्टी भी नहीं लिया। इसलिए सब जज लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जज बहुत अच्छे हैं, जज जज अंकल, जज अंकल तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। और ना खुशी की बात है, मगर पुलिस कह रही है ज्यादा उछलना नहीं। बहुत ना जीत है ना हार है, मगर जीत है। मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। अरे आगे आगे राम चले पीछे चली सेना, आगे आगे राम चले पीछे चली सेना, हनुमान हनुमान उड़ी चले आए, मोरे रामा अवध घर आए।